प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपने फायदे के लिए समाज और देश को बांटना चाहती है। नागरिकता संशोधन कानून CAA संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आसाम में जहां NRC लागू है, क्या वहां की जनता खुश है? ये कानून मुसलमानों को बाहर करने की साजिश है। हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा की जा रही है। जब जनता के पास आधार कार्ड है तो नागरिकता संशोधन कानून की क्या जरूरत है? लोग अपने पिता और माता का जन्म का प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? संसद में विपक्षियों की संख्या कम है, इसलिए ये कानून पास हो गया। संसद में भी सरकार सांसदों को इस बारे में गुमराह करती रही कि यही वजह रही कि बीजेपी के नेताओं को जनता को कानून की जानकारी देने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है।